तो बेरोजगारों की इन बेबस तस्वीरों के बाद आइए अब आपको इस परीक्षा के लिए की गई जो व्यवस्था है वो दिखाते हैं, जो थोड़ी राहत जरूर देती है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से जिले के 35 परीक्षा केंद्रों पर पुलिस भर्ती के लिए कांस्टेबल की लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया। परीक्षा दो शिफ्टों में कराई गई। दोनों शिफ्टों में लगभग 10,000 परीक्षार्थी शामिल हुए। परीक्षा को लेकर पुलिस और प्रशासन भी सतर्क दिखा। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पे हमारे द्वारा SSC की जो गाइडलाइंस आई थी उनके अनुसार और हमारे द्वारा उसके अंदर पे 10 कार्मिक प्रत्येक पुलिस केंद्र पे तैनात किए गए हैं, साथ ही 11 पेट्रोलिंग पार्टीज और 5 गजेटेड ऑफिसर हमने तैनात किए हैं। हमने ट्रैफिक के भी माकूल इंतजाम किए हैं ताकि परीक्षा केंद्र पे पहुंचने वाले परीक्षार्थी को भी दिक्कत ना आए और पब्लिक को भी ज्यादा परेशानी नहीं हो। CM फ्लाइंग ने भिवानी समेत हरियाणा के हर परीक्षा केंद्र पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की कांस्टेबल पद की परीक्षा के दौरान किसी तरह की गड़बड़ी न हो इसको देखते हुए प्रदेश की सरकार पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दी। वहीं परीक्षा के दौरान प्रशासनिक अमला भी मुस्तैद रहा। 59 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं 37 लोकेशंस के ऊपर। हमने अपनी तरफ से जो हमारी ड्यूटी लगानी थी 18 हमने ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाए हैं। पुलिस की तरफ से प्रॉपर पेट्रोलिंग पार्टी और पुलिस फोर्स की व्यवस्था की गई है। सारी एंट्री फ्रिस्किंग करने के बाद की जा रही है और लगभग अब एंट्री कंप्लीट होने वाली है। तो अभी तक तो व्यवस्था हमारी सारी ठीक है और एग्जाम भी शांतिपूर्वक हो जाएगा। भिवानी हिसार समेत हरियाणा के हर परीक्षा केंद्र पर खुफिया तरीके से उड़न दस्ते ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। परीक्षा में किसी तरह की गड़बड़ी ना हो इसके लिए परीक्षा केंद्रों पर खुफिया विभाग की भी नजरें रहीं। परीक्षा में नकल रोकने के लिए विभाग ने हाईटेक तकनीक का सहारा लिया। इससे ये तो साफ हो गया कि प्रशासन इस बार हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा में किसी भी तरह की चूक बरतना नहीं चाहती। अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रशासन कहां तक नकल पर निगरानी रखने में कामयाब हुआ है। इंद्रवेश दोहर, टोटल न्यूज़।